महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के खटुहा कस्बे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान शव उसके कमरे से बरामद हुआ है, जिसका गर्दन कटा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि पनियरा थाना क्षेत्र के खुटा कस्बा निवासी अमरजीत पासवान ने अपने बेटे अजय की शादी एक साल पहले ही की थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती है। चर्चा में है कि अजय अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था और किसी दूसरी महिला से उसके नाजायज संबंध थे। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि इसी बात को लेकर बीती रात पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने ग्राइंडर मशीन से अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतिका का पति टाइल्स लगाने का काम करता है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक महिला के परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो मृतक पूनम पासवान खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात बगल में डीजे बज रहा था, जिस वजह से किसी को रात में कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीना ने बताया कि प्रथम दृष्टया आशनाई के चक्कर में मृतिका की हत्या प्रतीत हो रहा। मृतिका के मायके वालों के तहरीर प्राप्त कर पति और घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जल्दी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।